तो भाइयों टिकटा तो ले ली है लेकिन सीट के वांदे हो गए, सीटा मिलने की मुश्किल दिख रही थोड़ी सी। काफी आगे आ गए हम लोग लेकिन यहाँ पर दोस्तों ट्रेन में सीटा तो नहीं मिले लेकिन हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, हमारे राहुल भाई है। झूठ बोलो, हमारे को बहुत टाइम से देख रहे थे इन्हों यूट्यूब पे भाई, बार बार झूठ बोलो। हाई करो कैमरे को। तो दोस्तों सीटा तो मिले नहीं, पूरी ट्रेन पूरी फुल है और ट्रेन निकलने की वजह से हमको कौन से के डब्बे में चढ़ना पड़ा जो कि बहुत ज्यादा फुल है। देखो ऑलरेडी लड़ाइयाँ चल रही सीटों के लिए। भाई व्हाट ए कोइंसिडेंस, मेरे कॉलेज का दोस्त मिल गया साई भानु। हाय कर कैमरे को, ब्लॉग बन रहा ब्लॉग। तो दोस्तों फाइनली 333 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं सोलापुर स्टेशन और अभी टाइम हो रहा है 4:30 सुबह के और मेरा दोस्त साई भानु हम लोग को ज्वाइन कर लिया। इसको एक्चुअली शादी में जाना था 2 दिन बाद, तो इसके पास अभी टाइम है तो इन्हें हमारे साथ आ रहा अभी। रात भर ट्रैवल करने के बाद करीब करीब 400 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग सुबह सुबह लगभग 6:30 बज रहे हम लोग यहाँ पर तुलजापुर को रीच हो गए। ये मेरा दोस्त साई भानु। तो अभी हम लोग लॉज के लिए वेट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ दूरी में लॉज है, वहाँ पर जाके पहले रूम लेना है फिर उसके बाद दर्शन के बारे में सोचना है। सो स्टे ट्यून्ड। देखो सुबह सुबह 6:30 का माहौल देखो, एकदम गोल्डन धूप है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, एकदम माहौल तो बहुत सॉलिड है यहाँ पे का। तो हम लोग लॉज ढूंढते ढूंढते पूरा मंदिर के करीब आ गए लेकिन अभी तक लॉज नहीं मिला हम लोगों को। हमारा हरी बैग उठा के परेशान हो जा रहा धूप में। हरी से समथिंग। बहुत थक गया भाई, बहुत ढूंढते ढूंढते। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा। तो बहुत सारी मुश्किलों के बाद फाइनली रूम मिल गया, हम लोग रेडी हो गए। देखो अभी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखो ये मंदिर कन का माहौल एकदम पवित्र। मंदिर में क्राउड बहुत ज्यादा है, ये इतना ही अनएक्सपेक्टेड था जितना मेरे एग्जाम में बैकलॉग। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये देखो गाइस, ये हमारे लड़के मंदिर में आते कि एकदम पर्सनालिटी चेंज कर लेते। भाई साहिल भाई दिखाओ, साहिल भाई को देखो एकदम पूजा वाला सामान लेके। भाई पिछले आधे घंटे से लाइन में हम लोग, लाइन कमी नहीं हो रही। एक मिनट आपको आगे का दिखा दूँ। आखिरकार 1.5 घंटे लाइन में रखने के बाद बहुत सारा लाइना जाम करके पहुँच गए हम लोग। गाइस यहाँ पे मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो आगे के क्लिप्स नहीं ले पाएंगे हम लोग। ये रहा मंदिर के अंदर का व्यू, एकदम शानदार। ये हमारे लड़के देखो, पहली बार ऐसा इतने संस्कारी दिख रहे बहुत। इसको देखो। तो दोस्तों हम लोग की दर्शन तो अभी कंप्लीट हो गई और हमें अब थोड़ी देर बस यहाँ पर घूमकर थोड़ी देर में अभी बाहर निकलेंगे। अभी आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये देखो यहाँ पर गोंधल चल रहा लोगों का, मतलब लोग करवा रहे गोंधल।
पे, यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता पे देखो ये सब स्टॉल्स है जहाँ से अपन लोग शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। देखी तो उससे बात करते। देखिए गाइस, हम लोगों को हमारे रूम पर जाने के लिए बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर रोड इतनी गर्म हो चुकी है कि हमें चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए साहिल भाई तो अपने पैरों पर पानी डालते हुए चल रहे थे। गाइस यहाँ पे धूप से बचने के लिए हम लोग देखो पेटीएम में आना पड़ा। एटीएम में यहाँ पे ठंडे ठंडे एसी आए, एसी का सहारा लेना पड़ रहा हमको। हेलो बोलो का। ये देखो दोस्तों जयपुर का नाइट व्यू। भाई बोलो तो चाहिए क्या जोड़ दे। यहाँ पे दवाई लेने को आए हम लोग। लाके तीन पंज वाली पंगड़े गंदी दी डिग्गी खोल के। अरे साहिबानों को दवाई लगती है यहाँ पर, देखो दवाई लेने आया। चपाती चपाती खाए तंदूर रोटी बने गई थी चपाती। So यहाँ पर अभी टाइम हो रहा तकरीबन 10 बजे और हम लोग का खाने का टाइम हो गया। यहाँ पे हम लोग मंदिर को आए, नॉन वेज नक्को बोलते नहीं सुन रहे यहाँ पर मेरे दोस्त। ये हमारा दोस्त है, देखो दवाई ले लिया साले को, दवाई के साथ नॉन वेज जरूरी है बोल रहा। तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है? अरे हमारे साहिल भाई ये दोनों ही हमारे पास नॉन वेजिटेरियन, मैं और हरी यहाँ पर वेज खाने वाले हैं। मंदिर को आके नॉन वेज नहीं खाना रहे। ठीक है ब्रो, चलो पनीर लेंगे। फिर कैंसिल हो गया ऑर्डर दे दिए ना। कैंसिल भाई। साहिल भाई तुम बोलो। चलता चलता मंदिर को आके नॉन वेज खाए तो खुलजापुर में चलता भाई, पीने खाने के से लोग आते देखो। छोड़ो भाई ऐसा बोल के तुम टाल रहे खाली बात को, बाकी मंदिरों में नॉन वेज नहीं खाना भाई। तुम्हारे घर में नहीं खाने गया बोल रुके तो नहीं खा रहे तुम क्या? तुम भी खा रहे थे। मैं नहीं खाया मंदिर में कभी भी ना। अभी टाइम हो रहा रात के 11:30 बजे और हम लोग का खाना वगैरह भी हो गया डिनर, और हम लोग जो जो प्रसाद का सामान घर पे लेके जाना है वो सब ले लिए। बस अभी लॉड्स को जाके सो जाना है, फिर सुबह शायद 5:00 की हमारी ट्रेन होगी, वहाँ से हम लोग वापस चले जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग का एक मिनट, हम लोग का तुलजापुर का प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया। हमारी ट्रिप बहुत ही अच्छी रही। और ये हमारा साहिबानो, हम लोग अभी सोलापुर में हैं, यहाँ से हम लोग की ट्रेन है तकरीबन 1 घंटे बाद, और यहाँ से इन्हें इसके दावत को चले जा रहा है इसके मौसी के घर पर, और हम लोग हैदराबाद को रिटर्न आ जाते हैं। बस लास्ट टाइम एक बार यहाँ पर स्टेशन के बाहर चाय नाश्ता जो भी है कर लेके अभी हम लोग बस अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। फिर कल से वही घिसी पिटी जिंदगी। ये जो 2 दिन थे वो बहुत ज़बरदस्त गुजरे। क्या भाई? आओ भाई। अच्छा बहुत ज़बरदस्त थे। बोल तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत मस्त था विनय भाई के साथ एक्सपीरियंस हमारा, एकदम मस्त। सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बोल रहे हैं।